प्लाज्मा मैन के पिछले एपिसोड में आपने देखा, मैं तुम्हें हर महीने 30,000 रुपये देता हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, और तुम हो कि रूम का किराया भी नहीं दे सकते। अरे ये क्या इतनी लंबी लाइन, अब कम से कम 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा इस लाइन में। तुमने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सजा ये है। दिल्ली के एक खुफिया गैंगस्टर हमसे सौदा करना चाहते हैं और उनके 3 आदमी कल रात 8 बजे रीवा आ रहे हैं। चाहे जो हो जाए, हम अपने अर्जुन भाई का बदला लेकर रहेंगे। और इतना कहकर वे दोनों आमिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब आगे आमिर अपने क्लासरूम में जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उन 2 सीनियर्स में से एक सीनियर आमिर को रुकने के लिए बोलता है और कहता है, हे रुक, कहाँ भाग रहा है, आज तू हमसे नहीं बच पाएगा साले। और इतना कहकर वे दोनों आमिर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक कार आती है और वह कार कॉलेज के प्रिंसिपल की थी, जिसे देखकर वे दोनों कहते हैं, अरे ये क्या, इस बुड्ढे को अभी आना था, ये बुड्ढा हमेशा गलत टाइम पर ही आता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए आमिर प्रिंसिपल के पीछे पीछे जाने लगता है और जाते जाते आमिर उल्टा उन दोनों से कहता है, हे हे, आओ आगे आओ, मारो मुझे, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर प्रिंसिपल अभी ना आए होते तो तुम दोनों को आज मैं देख लेता, अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय। और वे दोनों सिर्फ दांत पीसकर रह जाते हैं। फिर आमिर अपनी क्लासरूम में आता है और पहली सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ जाता है। आमिर अपने क्लासरूम में सिर्फ अकेला था और 5 मिनट बाद क्लासरूम में एक और लड़का आता है और वह पहली सीट यानी कि आमिर के आगे बैठ जाता है और वह आमिर को हेलो बोलता है और आमिर भी उसे हेलो बोलता है। फिर वह लड़का आमिर से पूछता है, क्या आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है? और आमिर जवाब में कहता है, हाँ मेरा पहला दिन है। फिर वह लड़का कहता है, वैसे मेरा नाम अनंत है, अनंत वर्मा, और मैं बाण सागर कॉलोनी में रहता हूँ। और तुम्हारा क्या नाम है दोस्त, क्या तुम लोकल रीवा से ही हो या कहीं और से? जिस पे आमिर कहता है, मेरा नाम आमिर अंसारी है और मैं रीवा का ही हूँ और मैं न्यू बस स्टैंड के पास रहता हूँ किराए का रूम लेकर। फिर अनंत कहता है, ओ अच्छा, वैसे तुम्हारी टी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, लगता है तुम कैप्टन रिवान के बहुत बड़े फैन हो। जिस पे आमिर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब ये टी शर्ट मार्केट में आई थी तो मैंने इसी तरह की 10 टी शर्ट इकट्ठा ले ली थी, इस टी शर्ट को पहनकर मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर अनंत कहता है, अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे क्लासरूम में और भी स्टूडेंट्स आना शुरू कर देते हैं और क्लासरूम पूरी तरह से भर जाती है। फिर 5 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाता है और करीब 1 घंटे बाद आमिर उस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और अपने आप से कहता है, एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और ऊपर से ये टीचर सबको खड़ा करवा कर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, कहीं ये टीचर मुझे ना खड़ा करवा कर कुछ पूछ ले, अगर मैं जवाब ना दे पाया तो खामखा इज्जत की वाट लग जाएगी। और आमिर जैसा सोच रहा था वैसा ही हुआ, टीचर ने आमिर की तरफ इशारा किया और उससे कहा, हे तुम खड़े हो जाओ, तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन बताओ। और आमिर खड़ा होकर कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर टीचर आमिर से कहते हैं, बताओ तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन तक याद नहीं है, बेटा इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो पहले बेसिक्स पढ़ के आओ,
चलो कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। फिर टीचर अनंत को खड़ा करवाते हैं और उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछते हैं और अनंत बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन बताता है और टीचर अनंत को वेरी गुड बोलकर लेक्चर को कंटिन्यू कर देते हैं। और आमिर अनंत की तरफ देखकर मन में कहता है, शायद अपने आप को बहुत होशियार समझता है, पढ़ाकू कहीं का। फिर करीब 2 घंटे बाद लंच शुरू हो जाता है और टीचर क्लासरूम से जाते वक्त सभी स्टूडेंट से बोलते हैं, लिसन स्टूडेंट्स, कोई भी क्लासरूम के बाहर नहीं जाएगा, सभी लोग अपना लंच क्लासरूम में ही करेंगे क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग बाहर गए और सीनियर्स ने आप लोगों को धर दबोचा और आप लोगों की बुरी तरह से रैगिंग ले ली तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। और इतना कहकर टीचर वहां से चले जाते हैं। फिर आमिर कुछ सोचने लगता है और मन में कहता है, अरे यार अब मैं बाहर कैसे जाऊँ, इन सीनियर्स ने तो नाक में दम कर रखा है, अब मैं सुट्टा कैसे मारूंगा। वैसे भी ये 3 घंटे के लेक्चर ने मेरे सर को बहुत दर्द पहुंचाया है, क्या करूं अब मैं, क्या करूं। आइडिया, वॉशरूम के बहाने से वॉशरूम के अंदर ही सुट्टा मार लूंगा, ये ठीक रहेगा, चल आमिर जल्दी कर। फिर आमिर इधर उधर देखता है और आमिर अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकालकर चुपचाप अपनी पैंट की जेब में रख लेता है और अपनी सीट से उठकर क्लासरूम के बाहर जाने लगता है। और तभी पीछे से अनंत आमिर से कहता है, रुको आमिर तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पे आमिर कहता है, अरे अनंत मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। और अनंत कहता है, चलो ठीक है लेकिन संभल कर जाना, कहीं सीनियर्स तुम्हें पकड़ ना लें। और आमिर कहता है, तुम फिक्र मत करो मैं यूं गया और यूं आया। फिर आमिर तुरंत वॉशरूम के अंदर जाता है और वॉशरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और एक सिगरेट जलाता है और सुकून से पीता है। फिर आमिर सिगरेट खत्म करके वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने वही 2 सीनियर्स खड़े हुए हैं। इससे पहले आमिर वहां से भाग पाता, उनमें से एक सीनियर आमिर को जोर से धक्का मारता है और कहता है, अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। और इतना कहकर वे दोनों आमिर को पीटना शुरू कर देते हैं और पिटाई करने के बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वॉशरूम में अनंत आता है और वह आमिर को जमीन में पड़ा देखकर घबरा जाता है और तुरंत उसके पास जाकर कहता है, आमिर उठो, ये क्या हो गया, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, अच्छा अब उठ जाओ दोस्त संभल के। फिर आमिर कहता है, छोड़ो मुझे मैं चल सकता हूँ। अनंत कहता है, अच्छा ठीक है आमिर चलो अब क्लासरूम में चलते हैं। फिर अनंत और आमिर अपनी अपनी सीट में आकर बैठ जाते हैं और आमिर अनंत से कहता है, आखिर इन सीनियर्स की प्रॉब्लम क्या है, ये कॉलेज पढ़ने आते हैं कि गुंडागर्दी करने आते हैं। जिस पे अनंत कहता है, देखो हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जब तक हम थर्ड ईयर में नहीं पहुंच जाते हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी और उनके हिसाब से चलना होगा, और कल से तुम फंडे में आना, मतलब यूनिफॉर्म में, जैसे मैं आता हूँ। और आमिर कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम यहाँ पढ़ने आते हैं ना कि किसी की गुलामी करने, मैं तो कॉलेज अपनी मर्जी से ही आऊँगा, समझ गए तुम। जिसपे अनंत कहता है, अच्छा शांत हो जाओ, चलो ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हें सीनियर्स का रूल बता रहा था। फिर आमिर कहता है, उनके रूल्स की ऐसी की तैसी। और इतने में लंच का टाइम खत्म हो जाता है। फिर क्लासरूम में एक लेडी टीचर आती है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। फिर वो टीचर सारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग बोलती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम है याजुशी गौतम और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ, आज से मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबका भी इंट्रोडक्शन हो जाए। और सारे स्टूडेंट्स एक एक करके याजुशी मैम को अपना इंट्रो देते हैं और इंट्रो देते देते आती है अनंत की बारी और अनंत अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मेरा नाम है अनंत वर्मा और मैं बाणसागर कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे डैड एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ हैं। जिसपे याजुशी मैम कहती हैं, अनंत काफ़ी अच्छा नाम है। इसके बाद याजुशी मैम आमिर को अपना इंट्रो देने के लिए कहती हैं और आमिर अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मेरा नाम है आमिर, आमिर अंसारी, मैं न्यू बस स्टैंड के पास रहता हूँ और मेरे ना ही डैड हैं और ना ही मेरी मॉम, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं जिनका नाम करीम अंसारी है, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, वही मेरे लिए सब कुछ हैं,
जिसपे याजुशी मैम कहती हैं, आमिर आई एम सो सॉरी, सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ। आमिर कहता है, कोई बात नहीं मैम, थैंक्स। इसके बाद सबका इंट्रो लेकर याजुशी मैम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देती हैं और दो घंटे बाद क्लास फ्री हो जाती है। फिर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले जाते हैं और क्लासरूम से बाहर निकलते वक्त अनंत आमिर से कहता है, तो कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन आमिर? जिस पे आमिर कहता है, क्या तुम मेरी टांग खींच रहे हो? और अनंत कहता है, अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था। और आमिर कहता है, तुम तो जानते ही हो कि आज मेरे अच्छे खासे दिन की उन सीनियर्स ने वाट लगा दी, लेकिन तुमने आज एक बात नोटिस की? अनंत कहता है, कौन सी बात आमिर? जिस पे आमिर कहता है, अरे हमारी इंग्लिश टीचर, तुमने देखा नहीं वो कितनी सुंदर थीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हमारी टीचर थीं। जिस पे अनंत कहता है, हाँ यार तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। स्कूल लाइफ में मैंने बहुत से टीचर देखे लेकिन सब के सब हिटलर मिजाज के थे, और याजुशी मैम तो कितनी सिंपल और स्वीट हैं और उनकी आवाज़ भी कितनी अच्छी थी। जिस पे आमिर कहता है, हाँ दोस्त तुमने ठीक कहा, उन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर रखा है। फिर अनंत कहता है, आमिर आज तुम्हारा दिन तो अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन इस दिन को तुम यादगार बना सकते हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जिस पे आमिर कहता है, अरे दोस्त ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर, तुम्हारे जैसे पढ़ाकू दोस्त पाकर मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा, मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। फिर अनंत कहता है, अच्छा आमिर अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जिस पे आमिर कहता है, हाँ लेकिन तुम घर कैसे जाओगे, ऑटो से? अनंत कहता है, हाँ क्यों? फिर आमिर कहता है, अरे तुम मेरे साथ चलो ना मेरी बाइक पे। अनंत कहता है, तो तुम बाइक लेकर आए हो? आमिर कहता है, हाँ ये देखो कल ही खरीदी है, मेरा मतलब मेरे करीम भाई ने खरीदा है। अनंत कहता है, तुम्हें पता है ना फर्स्ट ईयर में बाइक लाना अलाउ नहीं है? जिस पे आमिर कहता है, क्या ये कॉलेज का रूल है? फिर अनंत कहता है, नहीं ये सीनियर्स का रूल है। और आमिर इरिटेट होकर बोलता है, ओफो सीनियर सीनियर, मैं तंग आ गया हूँ सीनियर से और उनके रूल से, बस करो तुम। अनंत कहता है, अच्छा सॉरी अब चलें। फिर आमिर अपनी बाइक को स्टार्ट करने जा ही रहा होता है, तभी आमिर देखता है कि उसकी बाइक के दोनों टायरों से हवा निकली हुई है, जिसे देखकर आमिर कहता है, ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे करीम भैया ने ये बाइक कल ही खरीदी थी और आज पंचर हो गई, ये क्या मुसीबत है? जिस पे अनंत कहता है, आमिर ये सीनियर्स का काम है। आमिर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उन्हीं हरामियों का काम है, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, लेकिन यार अब मैं घर कैसे जाऊंगा? जिस पे अनंत कहता है, कोई बात नहीं आमिर चलो हम ऑटो से चलते हैं, तुम बाइक को लॉक करके यहीं खड़ी रहने दो, कल मैकेनिक को बुलाकर लाना और पंक्चर बनवा लेना। जिस पे आमिर कहता है, ठीक है इसे यहीं खड़ा कर देता हूँ और हम ऑटो से नहीं जाएंगे बल्कि हम कार से जाएंगे, मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ वो आ जाएंगे हमें लेने। जिस पे अनंत कहता है, दोस्त मैं लेट हो रहा हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ऑटो से निकल जाऊँ। जिस पे आमिर कहता है, ठीक है अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम ऑटो से निकल जाओ और हाँ मुझे माफ़ कर देना यार कि मैं तुम्हें बाइक से नहीं ले जा पाया। जिस पे अनंत कहता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छा चलो मैं निकल रहा हूँ कल मिलते हैं। जिस पे आमिर कहता है, हाँ ठीक है दोस्त कल मिलते हैं बाय। इसके बाद आमिर करीम को कॉल करता है और उसको सारी बात बताता है और 10 मिनट बाद करीम कॉलेज पहुंच जाता है। फिर करीम अपनी कार से उतरता है और कहता है, कहाँ है तुम्हारे सीनियर्स, उनको आज मैं सबक सिखा के रहूँगा। जिस पे आमिर कहता है, करीम भाई शांत हो जाइए वो सब अपने अपने घर चले गए हैं। और तभी आमिर और करीम के सामने से याजुशी मैम गुजरती हैं, दरअसल वो भी घर ही जा रही होती हैं और याजुशी मैम की नज़र आमिर पर पड़ती है। फिर याजुशी मैम आमिर के पास आकर उससे बोलती हैं, आमिर तुम अब तक घर नहीं गए, कोई प्रॉब्लम है? आमिर कहता है, नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैम इनसे मिलिए ये मेरे बड़े भैया हैं, मैंने आपको बताया था अपना इंट्रो देते वक्त। जिस पे याजुशी मैम कहती है, हाँ मुझे याद है आमिर। फिर याजुशी करीम को हेलो बोलती है और कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर करीम कहता है, हाँ मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर आमिर याजुशी मैम से कहता है,
मैम आप घर ही जा रही हैं ना? जिस पे आजुषी कहती है हाँ मैं घर ही जा रही हूँ। फिर आमिर कहता है आप रहती कहाँ है मैम? जिस पे आजुषी मैम कहती है मेरा घर विशाल मेगा मॉल से थोड़ा आगे है। फिर आमिर कहता है अरे मैम हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए हम आपको ड्रॉप कर देंगे। क्यों करीम भाई मैंने ठीक कहा ना? जिस पे आजुषी मैम कहती है अरे उसकी कोई जरूरत नहीं मैं ऑटो से चली जाऊंगी। फिर आमिर कहता है प्लीज मैम मना मत कीजिएगा देखिए मुझे बुरा लग जाएगा। करीम भाई आप क्यों कुछ नहीं बोलते? जिस पे करीम कहता है हाँ हम भी उसी तरफ जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी अगर आप हमारे साथ चलेंगी। जिस पे आजुषी कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ और आमिर कार का डोर खोलते हुए कहता है आइए आइए मैम बैठिए। फिर तीनों कार में बैठकर कॉलेज से चले जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं प्लाज्मा मैन के अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके जो वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको कितनी अच्छी लगती हैं। आपके लाइक और अच्छे कमेंट्स ही हमारा हौसला कई गुना बढ़ाते हैं और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको नए सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी और उनकी सुपर पावर्स जानना है तो हमारे एवी कॉमिक्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।